हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो गाइस, कल हमने आपको बात किया था ट्रांसलेशनल मोशन में जो है लीनियर इनर्शिया काम करता है। ओके और ये जो लाइन है इसको देखेंगे क्या कह रही है कि अर्जेंट बॉडी परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल बॉडी अंडरगो द सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन इन द सेम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो कल ही मैंने बता दिया था कि अगर कोई बॉडी जो है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस कवर करती है, बॉडी का हर एक पार्ट जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, तो ये होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में मैंने बताया था कि रोटेशनल मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हर एक पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट, है ना, ये बताया था मैंने, है ना। रिजिड बॉडी परफॉर्म प्योर रोटेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्किल एंड द सेंटर ऑफ ऑल द सर्किल लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो कल ये बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली थी, आइए आज इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था कि जब हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे ट्रांसलेशनल मोशन में, तो मैंने वहाँ पर इनर्शिया, एक्चुअली इनर्शिया यानी इनएबिलिटी है ना, इनएबिलिटी यानी कि असमर्थता, कि कोई चीज़ जो होती है असमर्थ होती है। तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया कि लीनियर इनर्शिया, वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया लीनियर इनर्शिया। और लीनियर इनर्शिया की मैंने कहा कि भाई लीनियर इनर्शिया को आप रिलेट कर सकते हो मास से, कि जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए या रेक्टिलिनियर मोशन के लिए आपका लीनियर इनर्शिया काम करता था। मगर जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो आपके इनर्शिया का नाम बदल जाता है, इसे बोलते हैं हम रोटेशनल इनर्शिया, इनर्शिया, या इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गए ना। ये क्या है, इसे आप कह सकते हो जैसे वहां पर क्या था, रुका है तो चलने की रुकावट, ये है घूमने की रुकावट, घूमने की रुकावट या असमर्थता, इनएबिलिटी टू रोटेट, इनएबिलिटी टू रोटेट। दूसरा, अगर घूम रहा है तो रुकने की रुकावट, इनएबिलिटी टू बी स्टिल। ओके, यदि मान लीजिए आप सबसे पहले आपके पास एक बड़ा सा बॉल रखा हुआ है, बड़ा सा बॉल रखा हुआ है लोहे का, और आप इसको घुमाना चाहते हैं, बोलो हाँ है ना, तो शुरुआत में घुमाने में बड़ी दम लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी, हाँ है ना। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं आपको मोशन में आने का अपोज कर रहा हूँ, और अगर घूमने लग गया है बड़ी तेजी से, हाँ है ना, तो रोकने के लिए भी बड़ा सोच समझ के भैया हाथ लगाना पड़ेगा, हाँ है ना, कहीं आप ही ना फेंक जाओ। जब झूला बड़ी तेजी से घूमने लगता है जो गोल गोल वाला मेरी गो राउंड, तो हाथ लगाने के लिए 10 बार ऐसे भड़ाक से पकड़ के नहीं कि ऐसे पकड़ लिया, पता चला आपने पकड़ा, आप ही हवा में झूले के चारों तरफ घूमते चले जाओगे, यस और नो। तो आप उसको स्लो डाउन बड़े बड़े आराम आराम से करते हो, क्योंकि अगर बॉडी कनेक्ट आपके मोशन में है, सर्कुलर उसमें है, रोटेशनल मोशन में, तो आप उसको एकदम से उसको रेस्ट में नहीं ला सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी कराती है इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के दौरान जो इनर्शिया मिलता है उसको आप बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? एल से, एल से भी डिनोट करते हैं, इसको आई से भी डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने तो बोला एल तो छोड़ो, एल से मत करो बेटा, ये आई है, एक्चुअली एल नहीं है, आई है। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये बॉडी जो है किसी भी चेंज का, अगर वो घूम रही है शांतिप्रिय तरीके से तो वो घूमते ही रहेगी, ये उसमें होने वाले किसी भी चेंज का क्या करेगी? अपोज करेगी। क्या करेगी? चेंज का अपोज करेगी। आई बात समझ में ना, घूमते ही रहेगी, ये घूमने का अपोज करेगी। बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, आप देखते हैं कि जब पंखा जो होता है स्टार्ट होता है, तो कल भी मैंने बताया था कि स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, बोलो हाँ है ना, क्योंकि वो रेस्ट में रहता है, और जब घूमना शुरू कर देता है तो एकदम से रेस्ट में नहीं आता है, आराम आराम से घूमते 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 फिर कहीं जाके रेस्ट में होता है, ये सुनो।
यू तो तब है भैया जब आपके पास क्या है, तमाम बैरिंग एरिंग का फ्रिक्शन मौजूद है, और यदि बैरिंग के फ्रिक्शन ना लगते यही काम कहाँ पे होता, स्पेस में होता, तो वो यूनिफॉर्म मोशन से घूमता ही रहता, वो घूमता रहता कि नहीं ये घूमता रहता, जैसे अर्थ घूम रही है बिना रुके, आया ना, हर दिन 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती, बोलो ये सुनो। तो अगर आप इसके रोटेशन को यूनिफॉर्मली रोटेशनरी मोशन को बाधित करना चाहते हैं तो आपको बाहर से लगाना पड़ेगा, एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? टॉर्क। ये नया वर्ड आपके सामने आ चुका है बेटा। वहाँ पर इनर्शिया को कौन बर्बाद करता था? फोर्स। वहाँ पर इनर्शिया को तोड़ने वाला कौन था? फोर्स। यहाँ पर कौन तोड़ेगा मोशन को? रोटेशन मोशन को, टॉर्क। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन गिवन एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ दैट देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। भाई साहब ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के अंदर, ये देख लो, मान लो एक छोटी सी बॉडी आपके सामने और ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, बोलिए हाँ है ना, इसका एक मास है m1 और इसकी रेडियस है r1। क्या रेडियस? r1। यदि मैं इंडिविजुअल बोलूँ आपको फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का, तो बेटा होता है mr2। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr2। अब सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर पार्टिकल के ही आगे कहानी से बनता है। तो मान लीजिए कि ये रोटेशनल एक्सेस है, इस पर ये पार्टिकल घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, इसका मास कितना है m और रोटेशन एक्सेस से इसकी दूरी कितनी है r। तो बेटा जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा इस पार्टिकल का इस रोटेशनल एक्सेस के अबाउट, क्या बनेगा? mr2। अब मैं यहां पर इस डिस्क को भर दूं, डिस्क को क्या कर दूं? भर दिया। देखो पहले पार्टिकल केवल कोने पे था, बोलो हाँ, अब पार्टिकल यहां भी आ चुका है, तो सारे पार्टिकल का सम हो जाएगा। या एक मैं आपको दिखाऊं, ये एक बल्क बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, तो इसके अंदर ये मास है m1, ये मास कितना है बेटा m2, ये मास कितना है m3। ये सुनो, तो यदि मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इज इक्वल टू पहला मास है m1 रेडियस है r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर .. mn rn का स्क्वायर। समझ में आया? तो क्या कह रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी गिवन एक्सिस इज अबाउट द सम ऑफ द प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि प्रोडक्ट का सम। भैया प्रोडक्ट क्या है? किसका किसका प्रोडक्ट? मास का और उनकी रेडियस के स्क्वायर का। कंस्टिट्यूट पार्टिकल, मास ऑफ द कंस्टिट्यूट पार्टिकल एन स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस। इनके प्रोडक्ट का लगातार जितने सम बन रहे हैं उनको करने पर जो आएगा वो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए देखते हैं एग्जांपल में। ये आपके पास पार्टिकल एक रिजिड बॉडी है, ये इस रोटेशनल एक्सेस के अबाउट घूम रही है, और यहाँ पर देखिए पहले का मास है r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3, सो टोटल इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और यदि इसको मैं सिग्मा फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा, मास बदल रहा है आई, आर बदल रहा है आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक? एन तक। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? और यदि मैं फॉर्मूला बताऊं तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एम फॉर किलोग्राम, और रेडियस मतलब कि कितना? मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर यानी ml स्क्वायर। बोलो क्लियर? ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पर डिपेंड करता है, घूमने की रुकावट किन किन बातों पर डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन, किस एक्सेस के अबाउट आप घुमा रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल तो यार वो बचपन वाली वो जो स्केल है वो आपको फीलिंग पूरी पूरी करा सकती है। वो स्केल में यहाँ पर छोटा गैप, फिर और बड़ा, फिर और गैप, फिर और गैप, ये सुनो है ना। तो बीच में जब घुमाते तो बड़ी रुकावट कम हुआ करती थी, है ना, और फिर इधर 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 रुकावट बढ़ती जाती थी क्योंकि एम आर स्क्वायर क्या होता जाता था? बढ़ता जाता था। ये सुनो हाँ। फिर ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस ऑफ रोटेशन, भाई आपका एक्सेस कौन सा है? पोजीशन ऑफ द एक्सेस ये तो हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस, एक्सेस किस तरफ ओरिएंट है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, एक्सेस कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये तो डिपेंड करेगा ही। दूसरा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के अबाउट आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है ना, इन चार बातों पे, ये तो आपको रटना पड़ेगा बेटा, ये चार बातों पे आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये आपको आता भी एग्जाम में, जिसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। याद करिएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर सेंटर ऑफ मास भी डिपेंड कर रहा था और मास डिस्ट्रीब्यूशन पर एक्सेस ऑफ रोटेशन भी डिपेंड कर, सॉरी सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिपेंड करता है। अब बच्चों अगली बात आती है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई साहब मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी है, आप इसको घुमा रहे हो इसके अबाउट, या सुनो,
और आप अलग अलग पॉइंट का मास ले रहे हो, उसकी रेडियस ले रहे हो, ये सुनो, अलग अलग पॉइंट का मास ले रहे हो, उसकी रेडियस ले रहे हो, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? मैं कहा भाई साहब इतनी मेहनत मत करो, इस पूरी बॉडी का मास ये बैठा है, बब्बर शेर एम, बोलो हाँ, मतलब पूरी बॉडी ये जो मिल करके ये सब के सब क्या है, बैठे हुए हैं। और भैया आप जितना अलग अलग पॉइंट का निकालोगे, एक काम करो आप सीधे इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पकड़ लो, समझ गए ना, जितना फल आपको सारे के सारे M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर मिल करके देंगे, आपको ये फल कौन दे देगा, I बराबर मास कैपिटल M, सबकी जगह बोलो हाँ, सबकी जगह मास कैपिटल M और डिस्टेंस क्या, K का स्क्वायर, K का स्क्वायर, मतलब ये जो होगा ये इन सारे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो ये जो के कहलाती है वो इफेक्टिव रेडियस हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। सबका अलग अलग ना घुमा करके आप एक पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट घुमाओ जिससे कि आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, तो उसको बोलते हैं, उस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। अब भैया रेडियस ऑफ गायरेशन आई क्यों ऐसी, फॉर्मूले में तो मैंने लिख दिया है, अब ये आई क्यों, आओ इसको अपन बना करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया भाई साहब पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN RN का स्क्वायर इक्वल टू जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सब का फल का केवल आपको एक पॉइंट से मिल गया है, उसका मास कितना है टोटल M और रेडियस क्या है K का स्क्वायर। ये सुनो, अब मैं बोलूंगा आपसे M क्या है तो बोलोगे सर M तो सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास मतलब टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस MN होगा कि नहीं होगा। तो भैया यहां से मैं K स्क्वायर निकालूंगा तो K स्क्वायर कितना हो जाएगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस MN RN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास। M नीचे ले आऊं, ये बेटा मास जो इसको नीचे ले आओ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 कितना बेटा MN, पक्की बात ना। अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने वाला हूँ तो K का स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, आ गया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 MN RN का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, बोलो यस और नो, क्लियर है? तो ये कहलाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस और नो। अगर आपके बॉडी यूनिफॉर्म है, कैसी बॉडी, मतलब दाना दाना एक समान, टाटा शुद्ध नमक अंकल, बोलो है ना, जिसका दाना दाना एक समान, मतलब बॉडी का हर मास एक जैसा है, बॉडी का हर मास एक जैसा है, मतलब M1 भी M है, M2 भी क्या है M है, M3 भी क्या है M है। तो बेटा यहां से मैं अंदर से देखो, यदि मैं यहां से M कॉमन ले लूं, क्योंकि ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है कि नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 RN का स्क्वायर, हाँ है ना, और सारे M1 M2 ये भी M है, ये भी M है, ये भी M है, तो क्या मैं इसको N टाइम्स ऑफ M लिख सकता हूं, क्योंकि भैया दो पार्टिकल तो दो बार M, तीन पार्टिकल तो तीन बार M, यार N पार्टिकल है तो कितने बार M, N बार M, तो M से M क्या हो गया, ये बन गया आपका फॉर्मूला भाई साहब, देख लो आर के इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर अपॉन N, क्लियर है, बन जाएगा ना। तो ये कहलाएगा आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गया, आई इक्वल टू टोटल मास एम और के का स्क्वायर। तो भैया के की वैल्यू निकालनी है तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आई अपॉन एम, आई अपॉन M, और K इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट आई अपॉन M, क्लियर की नॉट क्लियर, K इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन M। अब देखो भैया हाँ क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी M एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस K गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बता तो दिया मैंने, पहले ही तो बता दिया कि भैया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अलग अलग निकाल रहे थे वही आपको कौन प्रोवाइड कर रहा था, टोटल मास इंटू K का स्क्वायर कर रहा था कि नहीं कर रहा था, हाँ ना, therefore moment of inertia को आप क्या लिख सकते हो MK square, क्यों ना provide करे यार, वो center of mass पे जा रहा है, बोलो yes or no, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये हो गई भाई K की value निकालना, K का meaning पता चल गया, इसको बोलते हैं radius of gyration, क्या बोलते हैं radius of gyration, समझ में आ गया, K
के भी क्लियर हो गया। अब बेटा दो थ्योरम आती हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, एक थ्योरम है, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्यों आई ये भी हम बता देते हैं। बेटा अभी तक की जिंदगी में आपको जो जानकारी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की किसके अबाउट है? आपने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ पार्टिकल का, ये पार्टिकल घूम रहा है, मैंने कहा किसके अबाउट, बोलोगे सर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इसकी एक्सिस के अबाउट है ना कि नहीं है, है ना, तो बोलोगे कितनी हो गई, बोलोगे सर वेरी सिंपल एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्योंकि मास है इसका एम और रेडियस है सेंट्रल एक्सिस से आर, तो कितनी हो गई एम आर स्क्वायर। अब मैंने बोला ना भाई मेरे को इसकी इसके अबाउट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए है इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूमे तो क्या होगी। तो आप ध्यान से देखो ये जो एक्सिस है ये इसके ग्रेविटेशनल एक्सिस है कि नहीं है, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा कि नहीं जा रहा है, तो मतलब ये इसकी मेन एक्सेस है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एक्सेस। क्या बोलते हैं बेटा सेंट्रल एक्सेस को आप आई सी भी बोल सकते हो, क्या बोलते हो आई सी, और आई सी के पैरेलल जो एक्सेस है इसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सेस। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि सेंट्रल एक्सेस के पैरेलल जो एक्सेस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो भाई साहब, वो क्या होगा है ना। किताब को सेंटर से तो घुमा सकते हो, बोलो हाँ या ना। आप किताब को सेंटर से ना यहाँ से घुमाओ, बोलो हाँ, बोलो दिक्कतें बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई, देखो लपटने लगा है नीचे गिर रहा है, हाँ है ना। ये भाई सेंटर में तो चलो घुमा देते थे बहुत सारे बच्चे क्लास के, वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं घुमाते हैं, दफ्तरी रखते हैं ना, तख्ती रख के घुमाया करते हैं रेसेस पीरियड में क्लास में, है ना। अब भैया ले किनारे से घुमा, ठीक है ना, किनारे से घुमाओ। तो मतलब हम अलग अलग पॉइंट के अबाउट, अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं कि क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ। और अच्छी बात आप लोगों ने बोल दी कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा क्योंकि दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बोलो हाँ है ना, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्लियर हुआ। तो भाई क्या होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले थ्योरम समझ लो फिर प्रूफ करा दूंगा मैं इसका। तो थ्योरम ये है पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले मेरे शब्दों में थ्योरम समझ लो क्या है, मेरे शब्दों में अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी जिसका मास m है, अगर इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था IC, क्या था IC या ICM, CM इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ मास, तो इसके पैरेलल जो एक एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा I न्यू वाला, I नया वाला बराबर पुराना वाला I सेंटर ऑफ मास प्लस कुछ जुड़ने वाला है क्योंकि आपने बोला दिक्कत बढ़ेगी, बोलो है ना, तो दिक्कत बढ़ाने के लिए कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा मास टोटल बॉडी का मल्टीप्लाई बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, एम डी का स्क्वायर, आई बात समझ में ना, इन दोनों के बीच के गैप का स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में बोल देते हैं, बाकी देख लीजिए पूरा का पूरा वही है। ये देखिए भैया ये सेंट्रल ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस थी, हाँ है ना, इसका सेंटर ऑफ इसका कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम, क्या था ICM। अब नई एक्सिस ये है इसके अबाउट, ये कितनी है पुराने वाले से दूरी r दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकलेगा, कितना निकलेगा आपकी भाषा में I इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर का स्क्वायर, क्योंकि इस बार मैंने डिस्टेंस दी है r, ये देख लो भाई सब मैथमेटिकली दिख गया, क्लियर है। अब इसको स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अबाउंड अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सेस, आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी मन से कोई भी ली गई एक्सेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास पुरानी एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सेस, मतलब सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सेस, उनके बीच के सम के इक्वल होगा, बोलो क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम। वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आर्बिट्ररी एक्सेस, ये नया वाला है, आर्बिट्ररी मतलब मेरी इच्छा की, आई सेंटर ऑफ मास इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सेस, पैरेलल एक्सेस जो है ना जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, और एम क्या है टोटल मास है, और आर क्या है दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसी समझ में आ गया जी, कोई दिक्कत। अब तीसरी बात आती है भाई, एक और आती है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, कौन सी थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, पिछली थ्योरम थी पैरेलल एक्सेस थ्योरम, अब ये जो थ्योरम है नई वाली इसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। करते क्या है इसमें देख लो, करते क्या है इसमें, पहले ये समझो जैसे आपके पास में ये चक्री है, ये आपके पास में चक्री है, मैंने कहा इस एक्सेस के अबाउट घुमाओ, तो आप बता दोगे सर वेरी गुड आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना।
अब मैं बोलूंगा मुझे इस रिंग को आपको इस एक्सेस के अबाउट नहीं, इस एक्सेस के जो गिवन थी इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे हो, इसके अबाउट घुमाना है, इसके अबाउट घुमाना है, ये सुनो। तो मुझे आपको गिवन एक्सेस के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट घुमाना है तो मुझे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा क्या होगा, समझ गए ना। मतलब पहले इस एक्सेस के अबाउट घूम रही थी, ये सुनो, मतलब ये एक्सेस था और बॉडी कैसे घूम रही थी, इस तरीके से, ये सुनो, ठीक है ना। अब क्या है भैया, अब हमको इसी बॉडी को, बॉडी ऐसी है, प्लेट ऐसी है, ये इस तरीके से प्लेट रखी हुई है, हाँ है ना। अब इसी बॉडी को हमको इस एक्सेस के अबाउट घुमाना है, तो महसूस करो ये ऐसी घूमेगी जैसे एक रोटी आगे पीछे हो रही है, इसके ऐसे ये हिस्सा सामने आ जाएगा, बोलो हाँ, और ये पीछे चला जाएगा, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसी हो जाएगी, ये सामने आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लियर हो गया, ये इस तरीके से, मतलब आप सामने अच्छा देख सकते हैं, ये मेरे सामने है, देखिए ये आपका जेड एक्सेस है, सामने देखिए ये आपका जेड एक्सेस है, तो जेड एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आराम से घूम रही, बोलो हाँ है ना। अब मैंने कहा जेड एक्सेस नहीं, एक्स एक्सेस के अबाउट निकालो, तो एक्स एक्सेस ये जाएगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से घूमेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना पड़ेगा, समझ में आया। प्रैक्टिकली मैंने समझा दिया बच्चों, तो क्या कह रहा भाई साहब इसमें, क्या कह रहा है, देखो ये आपके पास में एक रिजिड बॉडी है, इसका एक्स एक्सेस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई वाई, और जेड इसके दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी क्या है 90 है, तो ये रूल कहता है कि किसी भी परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बाकी की दो परपेंडिकुलर का सम होगा। यदि मैं बोलूं आई जेड इक्वल टू कितना होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, ये होगा, ठीक है ना। पढ़ता हूं मैं इसको, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी टू डायमेंशनल बॉडी अबाउट एनी परपेंडिकुलर एक्सेस द प्लेन आई जेड इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, सॉरी, इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग, मतलब तीसरी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो बाकी की दो परपेंडिकुलर एक्सेस जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ के इक्वल होगा, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर एक्सेस लाइंग ऑन द सेम प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सेस इज पासिंग थ्रू, मतलब उस पॉइंट पर कट करे जहां से परपेंडिकुलर एक्सेस पास हो रही है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हैं। तो बेटा आई जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई, आई बात समझ में ना, आई एक्स और आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, है ना, ऑफ द प्लेन लेमिना परपेंडिकुलर एक्सेस, प्लेन लेमिना परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली विच लाइन द प्लेन लेमिना एंड इंटरसेक्ट ईच अदर वेयर आई एक्स, ये तो हो गया। चलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी, है ना, वेदर इट इज टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, वाइल द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस इज अ लेमिनर टाइप और टू डायमेंशनल बॉडीज ओनली, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम है वो लेमिनर टाइप में, मतलब चपटी हुई प्लेट टाइप की बॉडीज में अप्लाई होगी, वो थ्री डी शेप में अप्लाई नहीं होगी। आई बात समझ में बच्चों। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इसके बाद के आपको मैं बताना सिखा दूंगा, मतलब आप मेन मेन याद कर लोगे, क्योंकि यार उनको याद ही करना पड़ेगा, प्रूफ भी होता है इनका, दो चार मैं प्रूफ करके बता दूंगा, मगर सबके प्रूफ करते करते थक जाओगे यार, इतनी सारी ज्योमेट्रीज हैं कि पूछो मत। अब ये देखो भाई, ये प्लेन लैमिना है, एक प्लेन लैमिना है, एक सर्कुलर लैमिना है, यानी कि सर्कुलर क्या है भैया, ये अबाउट एन एक्सेस सेंटर पासिंग इट्स प्लेन, ये है ना, ये क्या भाई साहब, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक ना। तो क्या हो गया भाई साहब, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये रिंग है, क्या है बेटा, रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, बोलो क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं अबाउट अ टेंजेंट, अबाउट अ टेंजेंट, तो लो भैया ये टेंजेंट है, टेंजेंट यही ना हुई, बोलो हाँ, तो इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना, मतलब पहले समझो, पहले क्या था, पहले एक्सेस सेंटर से पास हो रहा था, अब एक्सेस यहां से पास हो रहा था, लगाओ पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती, नया वाला बराबर पुराना वाला क्या था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस पूरा मास इनटू दोनों के बीच का गैप, अरे तो रेडियस ही तो है एम आर स्क्वायर, बोलो कितना आ गया, टू एम आर स्क्वायर, क्लियर हो गया, बन जाएगा।
तो भैया इसका आ गया 2mr2, ठीक ना। तो यस ये आ गया। अब अगला देखो, अबाउट अ टेंजेंट प्लेन टू द रिंग, ठीक ना। ये देखो कह रहा है कि अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग, मतलब ये टेंजेंट है और प्लेन ऑफ रिंग, तो रिंग का ये प्लेन है, बोलो हाँ है ना। अब रिंग का प्लेन ऐसा है भाई साहब, ये सुनो ऐसा है, तो रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा हाफ एम आर स्क्वायर, कितना होता है और प्लस ये कितना बन जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा एम आर, तो आधा और पूरा कितना हो गया डेढ़, यानी 3/2 एम आर स्क्वायर, क्लियर है। ये देखो डायमीटर के अबाउट मैंने बताई दिया कितना हाफ एम आर स्क्वायर, जिसको पहले देना था बेचारे को बाद में दे दिया, समझ में आ गया। तो डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, क्लियर है। बोलिए तो भैया ये है आपके पास में 3/2 डायमीटर हाफ एम आर स्क्वायर हो गया, ये रिंग हो गई है। ये क्या है भाई साहब, ये अपनी आगे जो है ये डिस्क रखी हुई है, यहां तक जो मैंने बताया ये तो रिंग थी, क्या थी बेटा ये रिंग, अब ये डिस्क है, क्या ये डिस्क है। रिंग और डिस्क में क्या मतलब है, रिंग होती खाली, रिंग क्या होती है खाली और डिस्क होती है भरी, तो यहां से बेटा ये डिस्क शुरू हो गई है, क्या शुरू हो गई है डिस्क, तो डिस्क का सेंटर के अबाउट क्या होता है हाफ एम आर स्क्वायर, बोलो हाँ। अब यदि इसके अबाउट निकालना है तो भैया हाफ एम आर स्क्वायर तो सेंटर के अबाउट था और प्लस आपने एम आर स्क्वायर क्या कर दिया जोड़ दिया, तो एक और आधा कितना हो गया डेढ़, यानी 3/2 एम आर स्क्वायर, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बन जाएगा ना। तो ये सारे के सारे दिए हुए हैं, ये भैया किसका दिया हुआ है आपका बार का, पट्टी का हिंदी में बोलते हैं, यानी स्टिक स्केल, स्केल का दिया हुआ है। अबाउट एन एक्सेस, ये इन लोगों ने मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, एक्चुअली मेरे को ज्योमेट्री लिखनी चाहिए, ये है क्या इसको बोलते हैं बार, क्या बोलते हैं बेटा बार, ओके बार स्लैब है ये। तो अब भैया इसका सेंटर के अबाउट निकालोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 सॉरी इसके अबाउट यहाँ पे, और अगर सेंटर के अबाउट निकालोगे कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। तो ये देखो ये कैसे आएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आएगा, किससे आएगा पैरेलल इससे, तो पहले सेंटर के अबाउट तो पता होगा, लियो कर देता हूँ यार एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम, बोलो हाँ, मास टोटल इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है भाई साहब, तो सेंटर से ये गैप कितना हुआ एल बाई 2, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब यहां से लेकर के यहां का गैप होगा एल बाई 2, तो एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ बोलो, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, बोलो ये सुनो, 4 और 3 कैल्शियम कितना आएगा 12, भाई साहब यहां चला गया 4, यहां पे 3 हो गया, बोलो यस एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 12 यहाँ पे आ जाएगा 4, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, छोड़ो इसको, तो एम एल स्क्वायर बाई 2, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 3, नहीं 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 ठीक लिखा है यार, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है सेंटर का, सेंटर का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 और पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर, हाँ मेरे से गलती हो गई, सेंटर का होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 है ना, और अब एल बाई 2 करके करोगे तो आंसर कितना आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, ये इसके अबाउट है एक कोने के अबाउट, ठीक है ना, ये एंड है, उल्टा हो गया डायग्राम, मतलब ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ गया है, ठीक है ना। अभी डिटेल में कराऊंगा, चिंता मत करो इसको, अभी अपन को बहुत डिटेल में करना है, ये छोटी छोटी जानकारी है। ये देखो भाई साहब सिलेंडर का है, किसका ये सिलेंडर का, देख लो क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये देखो सिलेंडर का किनारे 3/2 एम आर स्क्वायर, सिलेंडर का बीच से ये हो गया भाई साहब, बीच से फाड़ दोगे सिलेंडर को, अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर सरफेस, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, फॉर ए रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 12, ये देखिए फिर थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल का क्या होता है डायमीटर के अबाउट 2/3 एम आर स्क्वायर और अबाउट द टेंजेंट 5/3 एम आर स्क्वायर, फिर ठीक है ना, फिर डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 एम आर स्क्वायर और डायमीटर के टेंजेंट के अबाउट होता है कितना 7/5 एम आर स्क्वायर, ये कौन सा है, ये सॉलिड स्फीयर है, कौन सा बेटा है सॉलिड स्फीयर, वो हथगोला वाला सॉलिड स्फीयर बड़ा वाला, ठीक है भाई। तो ये सारे आपको मिलेंगे। अब इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेट हो रही घूमने में, है ना, जैसे मान लो आप किसी चीज को घुमा रहे हो जैसे पंखे को, अपनी एक्सेस पे जो पंखे का वो बीच वाला गोला वाला एरिया रहता है वो घूमता कि नहीं घूमता, बिल्कुल घूमता है, तो शुरुआत में इसकी स्पीड क्या रहती है ओमेगा नॉट, बाद में टी टाइम तक एक्सेलेरेशन होता है, कौन सा एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, और इसकी स्पीड कितनी बन जाती है ओमेगा, क्या बन जाती है ओमेगा, तो भाई वही था यार v इक्वल टू यू प्लस ए टी याद है, तो v की जगह क्या आएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू t,
टी, तो यार वही तीन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन कब अप्लाई होंगे, जब आपके पास में यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन लगेगा अल्फा, फॉर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। बोलो आई बात समझ में ना, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलेशन अल्फा में लगेगा तब लगेगा, बाकी सी चीज दे दी है। थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, है ना। ओमेगा क्या है भाई, ओमेगा जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी। बोलो क्लियर हो गया। अब अगला सीन आता है हमारे पास में टॉर्क। क्या आता है अगला सीन हमारे पास में, टॉर्क, है ना। टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। देखो आप, टॉर्क क्या होता है, वो फोर्स है, वो फोर्स है जो रोटेशन करा दे उसी को टॉर्क बोलते हैं। जो फोर्स है उसी क्या करा दे, रोटेशन करा दे उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। आप किसी को, आप कान खींचने के लिए फोर्स लगाते हो, बट आप कान घुमाने के लिए क्या लगाते हो, टॉर्क। समझ गए ना। तो जितना घुमाव दोगे उतने घुमाव के लिए वो टॉर्क लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो टॉर्क ही को मोमेंट बोलते हैं। तो टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, टॉर्क इज डिफाइंड बाई आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब आर और एफ क्या है बेटा, ये है एक्सिस, ये क्या है एक्सिस, ये मान लो एक्सिस है बेटा, ये दरवाजे की रेडियस है, ये दरवाजे की क्या है, रेडियस आर है, और ये दरवाजे का कुंदा लगा हुआ है, तुम्हें दरवाजे को खींचना है, खींचना है ना। तो दरवाजे को पकड़ करके यूं खींचोगे अंदर की तरफ, तो यहां अंदर की तरफ क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे, लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो भैया आपने आर के ऊपर क्या लगाया, एफ लगाया, तो टॉर्क वेक्टर बन जाएगा, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर किसके ऊपर लगाया, एफ के ऊपर। आर को आपने किसकी तरफ घुमाया, एफ की तरफ घुमाया, घुमाया कि नहीं घुमाया। आर को पकड़ा, हाथ से हैंडल पकड़ा, वो आर था, सेंटर से वहां तक की दूरी क्या थी, आर थी, और आर को किसकी तरफ खींचा, अपने हाथ की तरफ। आपका हाथ का एक्सिस क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। तो आर को एफ की तरफ घुमाया तो क्या बन गया, आर क्रॉस एफ। क्लियर हो गया। अब आर एफ की तरफ घूमेगा, ये देखिए ये आर था, ये क्या था, एफ था, है ना। ये देखिए यहां राइट हैंड, राइट हैंड, ये यहां आर था और यहां क्या था, एफ था। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन जाएगी, क्लियर है ना। और यदि आर ये है और एफ इस तरफ है, आर क्रॉस एफ, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ को ब्रेक करूंगा तो मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा, और दोनों को डायरेक्शन कौन देगा, एन कैप, दोनों के परपेंडिकुलर। पढ़ाया था ना मैंने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इफ द नेचर ऑफ द फोर्स रोटेट द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज देन टॉर्क इज कॉल्ड नेगेटिव। बताया था मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। समझ गए ना। मतलब आप चीज को यदि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा, और यदि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो नेगेटिव टॉर्क मिलेगा। क्लियर हो गया। एसआई यूनिट क्या होगी भाई साहब इसकी, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स फॉर न्यूटन आर फॉर मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर। इसकी डायमेंशन हो जाएगी कितनी, एम एल टू टी की पावर माइनस टू, ठीक है, ओके। तो एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और भैया वही है फोर्स, देखो फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है, मतलब वही वर्क की जो डायमेंशन आती है इसकी, एम एल टू टी की पावर माइनस टू, सेम डायमेंशन आएगी। आई बात समझ में ना। अब इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। टॉर्क को हम डेवलप करेंगे तो एक रिलेशन बनेगा। देखो अभी आपने टॉर्क क्या निकाला, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, और यहां से निकलेगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं। देखो लीनियर मोशन में फोर्स काम करता था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां पे, वहां पे घसीटने के लिए फोर्स काम करता था, यहां पे घुमाने के लिए कौन काम करेगा, टॉर्क। तो जहां फोर्स खेलेगा यहां पे कौन खेलेगा, टॉर्क। बोलो वहां पे लीनियर मोशन में मास था, मास मतलब लीनियर इनर्शिया, यहां पे कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे तो लीनियर एक्सेलरेशन ए, यहां पे है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, यस। वेयर ए इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अरे ए नहीं भैया अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई बात समझ में ना, क्लियर है ना। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, देखो आपने याद होगा पी इक्वल टू एम वी, वहां पे लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यस और नो, याद ना। अब यहां पे आएगा, देखो भाई साहब एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करो, किससे शो करोगे, वहां पे मास की जगह कौन खेलेगा, आई, कौन खेलेगा, आई, और वी की जगह कौन खेलेगा, ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। लियो भाई देर किस बात की, आ चुके हैं एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये देखो भाई साहब, ये आपके पास में इस फीलिंग को पकड़ो, ये अपने पास में पार्टिकल मास एम है, बोलो हाँ, और इसको आप वी वेलोसिटी से घुमा रहे हो इधर, बोलो ये सुनो भाई, घुमा रहे हो ना इसको, आप सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो ना, तो इसका मोमेंट निकाल लो, क्या निकाल लो, इसका मोमेंट। तो किसी भी क्वांटिटी का मोमेंट निकालने के लिए उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बोलो ये सुनो। तो किसका मोमेंट निकालना है, मोमेंटम का। तो मोमेंट एल, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई रेडियस, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई
रेडियस। तो मोमेंटम कितना बेटा, एम वी इंटू कितना आर, बोलो यस और नो। तो क्या बन गया, एम वी आर, एम वी आर। और वैसे ही मैंने बताया था एल इक्वल टू आई ओमेगा, आई ओमेगा। तो इसके दो फॉर्मूले, एक है आई ओमेगा और एक है एम वी आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वही वाली, कौन सी, एक्सियल वेक्टर, कौन सी वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, समझ गया ना। मतलब राइट हैंड रूल से इसका आप डायरेक्शन दे पाओगे, क्लियर हो गया बेटा, है ना। तो इन वेक्टर फॉर्म एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, और वेक्टर फॉर्म में इसको बोलते हैं आर क्रॉस एम वी, आर क्रॉस एम वी, आर को एम वी की तरफ घुमाया गया है, यानी कि आप लिख सकते हो एल इक्वल टू वैक्टर आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। कैसे, याद दिला देता हूँ, ये देखिए ये आर था और ये क्या था, पी था। तो आर को किसकी तरफ धक्का दिया गया, पी की तरफ, क्लियर हो गया। अब आइए, याद होगा आपको इट इज यूनिट इज जूल सेकेंड, तो ये तो बन ही जाएगा भाई जूल सेकेंड, क्या होगी इसकी यूनिट, जूल सेकेंड, निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जूल सेकेंड। एंड डायमेंशन फार्मूला एम एल टू टी की पर माइनस वन, एम एल टू टी की पर माइनस वन, ये भी निकाल लेंगे अपन, बन जाएगा ना यार। अब देखते हो भाई साहब क्या पढ़ा था अपन ने वहां पे, फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। फोर्स जो होता है एक्सटर्नल फोर्स जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह आएगा टॉर्क इज इक्वल टू डी एल, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अपॉन कितना डी टी, क्लियर हो गया, याद आ गया। अब देखिए वहां पे क्या होता था, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। और यहां पे अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एल क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसी को बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन इट्स मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अगर आप टॉर्क को जीरो कर दोगे तो एल को क्या होना पड़ेगा, कंजर्व। मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, एल की वैल्यू क्या होती है आई ओमेगा। मतलब पहले सिस्टम में आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्लियर हो गया। अब एंगुलर इंपल्स आप जानते हो, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स आप जानते थे वहां पे फोर्स इंटू डी टी, फोर्स इंटू डेल्टा टी बराबर क्या था, इंपल्स था। यहां पे क्या आएगा भाई, टाइम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, टाइम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज कॉल्ड इंपल्स। तो ये क्या लगेगा, एंगुलर इंपल्स, समझ गए ना। मतलब टोटल इंपैक्ट ऑफ टॉर्क, टॉर्क जितने देर तक इंपैक्ट करता है, टोटल इफेक्ट ऑफ टॉर्क अप्लाइंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन अ गिवन टाइम। ओके, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। हाँ यस, बिल्कुल सही है, याद करो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, वहां पे था इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, याद है। और यहां पे क्या है, एंगुलर इंपल्स को जे से शो करते हैं, जे इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और बाकी निकालने के लिए जे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टॉर्क, कितने टाइम तक एक्ट किया, टी टाइम तक, और टी वन से लेके कितना, टी टू, एंड दिस इज इक्वल टू एल टू माइनस एल वन, बिकॉज इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसको हमने पढ़ा था इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या पढ़ा था। सो गाइस, ये जो लास्ट वाली बात है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको धीरे धीरे पढ़ के समझ में आ जाएगी। मेनली जो ऊपर हमने पढ़ा, ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब इसमें एक चीज बच जाती है बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या बन जाती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका डेरिवेशन हम करेंगे, क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपने देखा था कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो हाँ, है ना। अब रोटेशन में जब बॉडी घूम रही है भाई साहब, तो उसकी घूर्णन ऊर्जा यानी रोटेशन की एनर्जी होगी हाफ, मास की जगह कौन खेलता है आई, और यहाँ कौन खेलेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहलाती है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आपके एग्जाम में क्या आना, आपके एग्जाम में आना है प्रूफ, किसका, आपको जो प्रूफ आएगा वो आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रूफ आएगा, किसका आएगा, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ आएगा, पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर लो। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत 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 आता है, जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम आता था और आप प्रूफ करते थे कि फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, अगर फोर्स जीरो है तो पी क्या होगा, कांस्टेंट, इट मींस पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। यहां पर आप बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, अगर टाउ जीरो है तो एल को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, इट मींस एल वन इक्वल टू एल टू, मतलब आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई बात समझ में। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की तैयारी रख करके जाइए, बाकी चैप्टर बहुत बड़ा है बच्चों, अभी इस पर हम प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन।